कैमरा से संतोष मिश्रा, कैमरामैन सोनू के साथ। आइए, मैं जानता हूँ, जानना चाहता हूँ, यहाँ भाई साहब लोग बैठे हैं, शादी जो का कोई मैटर, शादी करवाने का काम करते हैं, आइए जानते हैं। पूरा नाम बताइए। मैं झाबर पांडे, राष्ट्रीय संयोजक पूर्वांचल विकास मोर्चा। ये मोर्चा हर साल गरीब लड़के लड़कियों की शादी का, सामूहिक शादी का आयोजन करता है, और इस साल भी हर साल की तरह से 7 अप्रैल को शादी का आयोजन होगा। वैसे तो सरकार के द्वारा भी शादी कराई जा रही है, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है थोड़ा सा और ब्रॉड है। ऐसा नहीं कि उनको शादी हम करा दें और नहीं हो रही है करा दिए। पूरी जैसे गवर्नमेंट की प्लानिंग है, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम चाहते हैं जो शादी कराते हैं, हम एक शपथ पत्र भी लेते हैं कि भाई आप शादी कराओगे तो लड़की बचाने की ही बात आई, तो आप कभी भी जो है वो लिंग की जांच नहीं कराओगे जी। इस उद्देश्य से कि वो लड़की है जी। और अगर पता चलता है जांच के क्रम में, मान लीजिए वैसे तो ये गैर कानूनी है जी। तो आप कभी भी गर्भपात नहीं कराएंगे जी। दूसरी बात, हम केवल मेरा प्रयास ये यही नहीं है कि सामूहिक विवाह में गरीब लड़के लड़कियों की शादी हो जी। मैं ये समाज से यह आह्वान करता हूँ कि जो लोग सक्षम लोग हैं जी। आज विवाह और दहेज एक अभिशाप हो गया है जी। उसके साथ जो रीति रिवाज है, जितने खर्च हैं, मुझे लगता है कि हर आदमी, मैंने भी 2 साल पहले शादी की जी। तो पता चला कि 2 महीना पहले ही सारे जो मैरिज हाल हैं बुक हैं जी। तो इस तरह से ये जो एक प्रोफेशन बना है जो बेकार का खर्च है, तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमारा समाज जो है शक्तिशाली होगा जी। आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर पश्चिमी समाज, यूरोप या अमेरिका हमसे आगे है, तो उसकी वजह यही है कि आज उनके वहाँ स्त्रियों का जो साक्षरता है वो अधिक है, सेवाओं में लड़कियों का, औरतों का जो अनुपात है अधिक है जी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में कि महिला राष्ट्रपति, और उनके 70% लगभग 70% उनके मंत्रिमंडल में जो महिलाएं मंत्री भी, सक्षम लोग भी अगर सामूहिक शादी में अपना योगदान देंगे तो इससे ये महत्व बढ़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि वो मैथिली क्षेत्र में, बिहार में, दरभंगा में जी। बड़े बड़े लोगों की शादियां ऐसी होती हैं, वो मेला लगता है जी। और वर वधु, इवन आईएएस आईपीएस लड़के लड़कियां भी वहाँ शादी करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ अभी पूर्वांचल क्षेत्र में मैं इस तरह का प्रयास करूँ, और जो हम वचन पत्र या शपथ पत्र लेते हैं उसमें इस बात का उल्लेख हम करते हैं कि भाई एक तो आप बेटी जान के गर्भपात नहीं कराओगे, आप दहेज नहीं लोगे, आप जात पात को महत्व नहीं दोगे और बेटियों को भी लड़कों की तरह ही उनके शिक्षा दीक्षा का की व्यवस्था करोगे। हम चाहेंगे कि इसमें अंतरजातीय विवाह भी हो। यह समाज देखिए, कुछ लोग हमारे वहाँ भी असंतुष्ट होंगे कि नहीं अंतरजातीय विवाह नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमारे वहाँ वैदिक समय में भी और 214 के बाद, वैसे शादी तो जल कल्याण संस्था थी एक जो अब भी है, जिससे प्रेरित होकर इसकी स्थापना की गई, और उसका भी वो संस्था भी इसमें काम कर रही है आगे रह के, तो उसके तहत जो है काम होता था, लेकिन 2002 से जो है पूर्वांचल विकास मोर्चा भी उसमें सहयोग कर रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आइए आइए, जानना चाहते हैं हमारे वहाँ के प्रधान जी, चीनी मिल है, विजेंद्र मणि जी हैं हमारे साथ, आइए आज मिलते हैं। नमस्कार मणि जी, शुभ नाम अपना बताएं। मेरा नाम विजेंद्र मणि त्रिपाठी है। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति, चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ। ये हम लोगों का 17 महीने से चीनी मिल चलाने के लिए आंदोलन चल रहा है, जबकि धरना पर हम लोग बैठे उसका 31वां दिन आज है। सरकार हम लोगों पर कोई नहीं दे रही है, लेकिन हम लोगों का धरना तब तक चलता रहेगा जब तक चीनी मिल देवरिया में चालू नहीं हो जाएगी जी। यहाँ के अधिकारी
सुनते हैं कि नहीं आप? हाँ, नहीं, अधिकारी उसको नोटिस नहीं ले रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पत्थर देवा में 18 अक्टूबर 2017 में घोषणा किया था कि देवरिया में अगले सत्र में एक चीनी मिल दूंगा, लेकिन वो 18 तारीख आज 1 साल से ऊपर हो गया।